आज हमारे जाट महासभा के अधिवेशन काफी टाइम से पेंडिंग था और वो तारीख 28 पे आके तय हुआ। कारण क्या था कि दिल्ली में 20 नवंबर की ऑल इंडिया जाट महासभा का भी अधिवेशन रखा हुआ है, तो ये रखना पड़ा। ये चुनाव आगे सामने आ गया। आज हमारे मुख्य अतिथि ऑल इंडिया जाट महासभा के महासचिव युद्धवीर सिंह जी, मेरे साथ महासचिव संगठन जो आरक्षण के टाइम में संघर्ष किया था, इनका ट्रांसफर किया था, महेंद्र जी चौधरी, हमारी महिला की अध्यक्ष शारदा चौधरी और संतोष जी डूडी, महिला के पद तो कौन सा मेरे ध्यान नहीं, लेकिन मेरे पड़ोस में हैं, और हमारे यूथ का अध्यक्ष भाई दिनेश, और मेरे साथ जाट महाकुंभ में सबसे ज्यादा सहयोग रहा पूर्व MLA भाई रणवीर धनखड़, अरे पहलवान, सॉरी वो कोई पैसे का मैटर था उसमें याद रहेगा मेरे को, तो और हमारे सबसे बुजुर्ग और बहुत साल तक जाट महासभा का काम अध्यक्ष रहे रामकरण जी ढूकिया, इनको मैं फोन करता कि आज ये खबर कल सुबह आए, और इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जो समाज की सेवा और काम नहीं किया हो। और हमारे कर्नल ढाका साहब जो बहुत बड़ी एक संस्था चला रहे हैं, और ये बीजेपी से टिकटार्थी हैं डीडवाना से, अगर बुद्धि बीजेपी को आएगी तो शायद आज के सम्मेलन देख के कोई सुन ले। और कर्नल बिजानिया जी घर से निकलते हैं झुंझुनू जाने के लिए, कोई कहते यार मेरे को तो टोंक में बहुत जरूरी है, बोल चाल काल देख लेंगे, तो इस तरीके के इंसान हमारे साथ जुड़े। और यह जाट महासभा की वैल्यू एक आदमी से नहीं बनी है, सामने भी मेरी माताएं बहनें मित्र दोस्त हमारे बुजुर्ग साथी जिलों के अध्यक्ष सबसे मिले हुए, बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत लोग समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। आज जाट समाज की वैल्यू है, इस जाट समाज की इतनी वैल्यू है कि कोई भी जाट समाज बना करके कोई विदेशों में बेच आए, कोई अल्डा मल्डा दो दिन में सारे विदेशों में मीटिंग करी आए जाट समाज के नाम से, जगह जगह करते फिर रहे हैं और पैसे बटोर लेते हैं। तो की बात लंबी नहीं करके मैं कहता हूं कि वैल्यू जाट महासभा राजस्थान की है आप लोगों की वजह से। साहिब सिंह जी भी एडवोकेट हमारे बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ते, वो सामने बैठे, एक बार खड़े होकर दिखा दो जनता को बोले कि साहिब सिंह जी कौन से हैं, तो कोई मीटिंग नहीं छोड़ते। हमारे अग्रपंक्ति में बैठे हुए साथीगण मित्रगण, हमारे ये नतवई के मोहन सिंह जी, ये जब भी कोई भरतपुर का काम आए तो मोहन सिंह जी को फोन करें, ये तैयार रहते हैं, आप ही खड़े होके दिखाओ जरा। ये 13 महीने तक बॉर्डर पे वहां अधिकार वहां रहे हमें धरने पे, मेरे पास फोन आया युद्ध सिंह जी का, इन्होंने कहा कि ये सड़क रोकनी बहुत जरूरी है। मैंने कहा बहुत लंबा लफड़ा है, बोले कोई नहीं मालिक भली करेगा, जो अभी बता रहे थे ये पहले भी कोई काम के लिए कहा होगा, मैं भूल रहा हूँ, अभी पूछूंगा कौन सी बात थी, लेकिन ये बात मेरे अच्छी तरह याद है। बोला सब ठीक होगा, अब तो आ जाओ। वहां जाके बैठे 13 महीने लगे, लेकिन ये कभी जो रोड नहीं रुकी वो हमने 13 महीने तक रोड रोक के रखी और किसानों का हक दिलाया, वो युद्धवीर जी की ही बात पे हमने वहां गए थे, और उसमें रामनारायण जी चौधरी हमारे प्रतापगढ़ के डबल अध्यक्ष जाट महासभा के भी और भारतीय किसान यूनियन के भी, और दूसरा इनके साथ और ये चित्तौड़ के अध्यक्ष भी और भारतीय यूनियन के भी, जो आपके पास एक वो सुना के गए थे, बहुत से मित्र हैं, बहुत से किस किस के नाम लूं मैं, सारे सकल जो सामने दिख रहे मेरे जानकार है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि आप लोगों ने बहुत कुछ बात कही है और बहुत समझाई है, बहुत आप लोगों के समझ में आ गई। हमारा एक ही मकसद था कि चुनाव जब सामने आ गए तो हम आपको एक सिस्टम में बात कह दें, बात बता दें, ताकि एक एक आदमी को फोन करके नहीं कहना पड़े। कोई भी सदन किसी के साथ समर्पित है कि मेरे को इसके साथ रहना है, हमें कोई नहीं रोकते उसको, वो किसी पार्टी से कोई भी पार्टी से हो रहे, लेकिन मन में यह जरूर रखे कि समाज क्या चाह रहा था, समाज की सोच और विचार क्या है, समाज के साथ किस आदमी ने
धक्का किया या किसी ने सहयोग दिया, इस बात का देखना है। भाई मित्र भाव है वो कुकणा जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक सीट की बात नहीं है, राजस्थान हमारा है, राजस्थान की सीटें हमारी है। मैं इन सरकारों के घुटनों के बल लेना पड़ेगा, आज नहीं तो आने वाले चुनाव में 40-40 टिकट लेके छोड़ेंगे। 80 टिकट जिस दिन जाटों की आएगी, 60 एमएलए जीत के आएंगे, 60 जीत के आएंगे तो फिर सीएम बनने में भी देर नहीं होगी, लेट नहीं होंगे, सारे एक हो जाएंगे। तो हम उस बात के इंतजार में हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह के, हमारी सरकार है, मेरे को 25 साल हो गए लड़ते हुए। एक कॉलेज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, सारी स्टेटों में ये 13-14 यूनिवर्सिटी है, इसमें आरक्षण बाकी जगह है। ये ऐसी अधर्मिता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिल जजों के जो बेटे हैं उनका एडमिशन मिल जाए उसके बाद वो दूसरों को एडमिशन लेते हैं, ये दादागिरी है इन लोगों की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है, जो इस हिंदुस्तान के अंदर 60 से 65 घर हैं, परिवार हैं, उनमें से ही बनते हैं। 45 साल की उम्र से पहले हाई कोर्ट में आते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होता है। एक को भेज दो वो रिटायर होगा, 3 को डाल के जाएगा। वो यूनिवर्सिटी हमारी बनी हुई है, राजस्थान सरकार के पैसे लगे हैं, सरकार की बनी हुई है। सरकार का एक सीनियर आरएएस वहां नौकरी करता है, उनका रजिस्ट्रार है, उसका डीसी कौन है, एक्टिव चीफ जज है। उसका पैटर्न कौन है, एक्टिव सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है। दादागिरी से ये यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं। वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं है, ये बहुत पहले घनश्याम जी तिवारी जो मंत्री थे, इन्होंने संविधान में ऐसा डाल दिया विधानसभा में लेके कि ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, एससी एसटी का हमारी मर्सी पे होगा मैनेजमेंट की। ये दोबारा 25 साल हो गया कोशिश, 20 साल हो गया कोशिश करते हुए कि उसको वापिस विधानसभा में ला करके वो कानून चेंज कराना पड़ेगा, कोई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ओबीसी की सुनने वाला ही नहीं है। एससी एसटी ओबीसी को मारने के लिए लगे हुए सचिवालय में बैठे हैं, जो उन लोगों की हालत इतनी खराब है, बहुत सी नौकरियां, ये इंजीनियरिंग के लिए वो हमारे संतोष ये छोरों के साथ इतनी घूमती है ओबीसी के मैटर में, संतोष जी तो नाम है ना, हाँ विनू सारण, हमारे सूरतगढ़ से, ये नाम भूल जाता हूँ मैं, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पहले हमारी जिले की अध्यक्ष थी, अभी भी कोई पद दिया है इसको, लेकिन अब उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं, आपको भी मान लेनी चाहिए। लेकिन ओबीसी के साथ इतनी जास्ती हो रही है, मेरा आधा खून इसीलिए बढ़ गया कि 25 साल से लग रहा हूं मैं, फिर भी लाइन पे नहीं आ रहे। सचिवालय में तो बैठे हैं पंडे, उनकी हालत बहुत खराब है, क्या कर लें, किसको क्या कहें। एक बारी आयुर्वेदिक डॉक्टर भर्ती हो रहे थे, सीट थी 3500-3400 और लड़के पास टोटली हुए थे 3600 और कोई 7-8-10 साल से वो नौकरी आई, इन्होंने सबको फेल कर दिया। हमारा ओबीसी की महिला 62 नंबर पे थी, उसको बाहर कर दिया, 48 नंबर की जो जनरल की थी उसको ले लिया। उस टाइम हमने झगड़ा किया, वहां एक बीसी था पंडा, खूब माथापोड़ी करी, सचिवालय में बाबू बैठे इनसे माथापोड़ी करी, पार नहीं पड़ी। लेकिन बात क्या थी कि दुरुमिया प्रधान ये थे मंत्री, ये हेल्थ के मंत्री दुरुमिया जी थे, उसके पास गए, उनसे सचिवालय का बाहर वाला जो इनका ऑफिस है उसे बुलाया और दो सचिव बुलाए, एक तो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुआ वो था, एक कोई महिला थी उसके साथ आईएएस, दोनों को बुला के कहा कि इसको 48 नंबर तक जो है सबको पास करो, डॉक्यूमेंटली पास है, पेपर नहीं था, 48 नंबर पे सबको पास करे तो सारे ही हो गए। 3400 को 34 ही नौकरी लगे नहीं, हमारे तो सारे बाहर हो गए थे। यह हालत इन लोगों की है कि इनको किसी किस्म में नौकरी नहीं मिले। उसमें एक 47 साल का लड़का भी था जाटों का, वो 10 साल लेट थी ना, इसलिए उसका नंबर आया, झुंझुनू का था भाई, लेकिन मुड़के मिला मेरे से एक भी नहीं आज तक, नौकरी सबको मिली। कम से कम ये बात तो बता दे तो आगे दिक्कत नहीं हो, ताकि पता रहे। एक बारी मेरे एक आई जी मिलने वाले थे और एक बीकानेर का छोरा था आरएसी में, वो आया, मैंने उस आई जी साहब को फोन किया, कोटा में था, मैंने कहा मेरा छोरा है कोई जानकार, इसको ट्रांसफर कर दो, कर दिया, उसने जाके ज्वाइन कर ली। लाठ साहब का फोन आया, कब आई जी को धन्यवाद तो दो, उस छोरे का ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने फोन किया, धन्यवाद दिया,
मैंने कहा बोला उसको वह ने ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने कहा उस बेचारे को पता नहीं लगा होगा। आई जी बोला बेचारे ने जाके बीकानेर ज्वाइन कर ली। तो ऐसी पोजीशन नहीं करें, सुबह से शाम तक फोन करते रहते हैं, हमारे से होने वाले काम फोन जो भी है, मेरे हाथ में जो काम है या मेरे बल पड़ता है, हम पूरी जी जान से काम करते हैं, अधूरे मन से नहीं करते। अगले अफसर की जायज बात हो तो हम उसके भी माथे आ जाते हैं कि जायज काम है करना पड़ेगा, चाहे हमारा झगड़ा भी हो जाए, कोई बात नहीं। जैसे जिस तरीके से जो भी है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज के अधिवेशन में आप लोग आए, इतने बहुत लोग आए, बहुत बधारे, मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारे जिलाओं के अध्यक्ष उनको बधाई देता हूँ, हमारी राजस्थान के अध्यक्ष मैडम को बधाई देता हूँ, शारदा जी को, कि इतनी दूर से आते हैं, हमारे बाड़मेर से आए, जैसलमेर से आए, सारे जिलों से लोग आए, आप तकलीफ और दुख पा करके आए, लेकिन आपको आना पड़ता है, आप ही ताकत है, आप आएंगे तो आने वाले समय में हमारा थोड़ा रुतबा रहेगा, हमारे लोग समझना चालू करेंगे, सही करेंगे। आज की तारीख में जिन लोगों ने हमारे साथ जास्ती करी है, चोट करी है, हमारी एक टाइम में 39 सीट थी, 37 हुई, 36 हुई, पिछली बार इन्होंने 30 कर दी, और अब फिर इन्होंने भाड़ा ले रखा है। जिस तरीके से एक एक सीट काटी इन्होंने पिछली बार, जो जैसे गंगानगर पुराना जो जिला है उसमें 6 सीट दाटों की होती थी, इन्होंने 13 में काटी साधुलशहर, 18 में काटी या आपकी नोर, और अब 23 में काट दी सूरतगढ़, और अभी संगरिया इनके धार पर लगा हुआ है, वहां से वो सरदार को देना चाहते हैं, तो 6 की जगह 2 छोड़ेंगे। इस तरीके की हालत पिछली बार काटी इन्होंने, हमारी 6 सीट काटी थी, रतनगढ़ काटी, ये कमला जी की जो परंपरा सीट थी उसकी, वो उसकी आलोक बेनीवाल की काटी, खेरिया जी एक ही बेचारा, वहां का जो कैंडिडेट था अलवर पूरे जिले में, वहां 2 लाख जाट है जिले में, एमपी के चुनाव नहीं लड़ना क्या इनको, नहीं थी, आज भी लटका रखा है वहां। जिला प्रमुख है बलबीर छिल्लर, उसकी मांग है सीट की, नहीं थी, अभी वो है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि किशनगढ़ में जाट को दें, नहीं तो तुम्हारा सारी जगह बैंड बजाएंगे, ये सोच लेना आप। जिस तरीके से ये आलोक बेनीवाल के रोक के बैठे हैं, ये सीट देवे नहीं तो लेने के देने आप लोग पड़ेंगे। हमारे पास पूरी लिस्ट है, कांग्रेस के पहले 15 किए थे अब तक में, 3 परसों किए, ये हुए हैं अभी 18, और बीजेपी के अभी तक आए हैं 22। हम पूरी लिस्ट है, जेब में रखते हैं, एक एक उंगलियों पर रखते हैं, और अब की बार इनका सबका बैंड बजाएंगे। हमने आपको इशारे से बता देंगे कि इसका बैंड बजा तो बजा देना, ताकि आपकी वैल्यू बनेगी, ये ध्यान रखना। मैं जिस तरीके की बातें ये करते हैं, इनकी जबान पे ताला क्यों लग जाता है? हमारे 5 मंत्री थे, मंत्री रोने जाते हैं, हमें हेमाराम जी के गए बात से हमें रोया डोकरा, और उसने कहा कि इनके सीएमओ से इनके नौकरों के लेटर आते हैं कि इस अफसर को यहां से यहां लगा के मेरे को रिपोर्ट करो। कौन भेजता है हमें पता नहीं, किसका लेटर है वो, और हमें करना पड़ता है, बात से हमें रोया डोकरा। अब की बार मेरे को किसी ने कहा, उसको कहो चुनाव लड़े आप, इसमें थोड़ा मदद करो। मैंने कहा बोला अशोक गहलोत कांग्रेस है ना, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। तो मित्रों ये कांग्रेस कांग्रेस नहीं रही, ये कांग्रेस कांग्रेस नहीं रही, ये इस बात की मौत है। बीजेपी जब से सीटें देने चालू करी भैरू सिंह जी के टाइम में, तब से लेके जो सीट थी वो जाट की आज तक है, वो बढ़ते बढ़ते एक से लेके पिछली बार 29 थी, और अब की बार मेरे को लगता है कि थोड़ा बहत्व हमारा जाएगा ही ना, तो 31-32 सीट पक्की, 32 तो पक्की आएगी, ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये सारी बातें सामने हैं, आपको क्या करना है, क्या देखना है, और आज के लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मनसासीन मेहमानों को बधाई देता हूँ, युद्धवीर जी बधाई देता हूँ कि वहां से आए, और 20 नवंबर के लिए जो जिसकी हिम्मत हो गाड़ी ले दिल्ली आए और वहाँ मीटिंग देखें, बड़ी अच्छी और बढ़िया सम्मेलन होता है, बढ़िया मीटिंग होती है, और ये खाना भी अच्छा खुवाते हैं वहाँ, खा पी के चलेंगे जहाज को, पुठे पुठे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये तालकटोरा स्टेडियम है, तालकटोरा स्टेडियम, और मैसेज आ जाएगा, हम डाल देंगे, पोस्ट डाल देंगे। ये
केसरी सिंह को इन्होंने बनाया। अच्छा ये मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि जिस दिन आचार संहिता लगी 9 तारीख को और 9 तारीख को सुबह इन्होंने 3 तो आरबीआई से बनाए, 3 ही अधिनियक बोर्ड में बनाए, क्या हो गया? पहले क्या हो गया था कि यहाँ की सरकार सोई हुई थी और इस तरीके का आदमी को बनाया कि मैंने इसकी जांच नहीं करी, देखा ही नहीं तो इनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, क्या हो गया? जो आदमी समाज एक पर्टिकुलर समाज के लिए ओबीसी के लिए जो आग उबल रहा है उस आदमी को बना के बिठा दिया हमारी छाती पे और बना इसलिए बनाते हैं कि 6 साल रहे, 5 साल निकलने के बाद भी आगे आगे भी अगर हमारी सरकार आए तब तक ये रहे, ये सोच है इनकी। आज जो टिकटें बन रही है वो सिर्फ ये मेरा आदमी, ये मेरा आदमी हारे या जीते वो 5 साल उसके नीचे नौकरी करेगा। आज कोई भी मान लो कांग्रेस का कैंडिडेट हारा तो कांग्रेस किससे पूछेगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मालिक वही रहेगा, बीजेपी का भी वही और इनका भी वही। तो ये ढर्रा बना लिया इन लोगों ने, तो इस ढर्रे को तोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानकारी करनी पड़ेगी अपने को। ये इनकी सोच ये है कि मैं इन जाति से जाति को लड़ा दूँ, काट दूँ। हमारा किसी से दुभेसा नहीं है, हमारा 36 हुकूम मेरे साथ है, भारतीय किसान यूनियन में सारे हैं मेरे साथ, भारतीय किसान यूनियन टिकट में, SC ST OBC माइनॉरिटी में सारे समाज मेरे साथ है। ये 25 साल से तो मेरे साथ है, रामेश्वर जी सहवार थी यंग लीडर हमारे साथ है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं मेघवाल समाज के, हमारे बनाए हुए अध्यक्ष आज तक चल रहा है, कुछ छेड़ ही नहीं सका, हमने बनाया था मेघवाल महासभा के अध्यक्ष। तो ऐसा कुछ नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कह के ये हमने इनके लिए बात उठाई और CM ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए। अगर कार्रवाई करते हुए नहीं दिखेगी सरकार, इसकी कार्रवाई करके लिख के भेजे ना, जाएगा या ठेठ ऊपर जो सिस्टम है राष्ट्रपति से हो गया जाएगा कैंसिल, डाले तो सरी, करे तो सरी, ये दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। तो करेंगे तो आगे आने वाले समय में और भुगतेंगे। मैं सबको बधाई देता हूँ और मेरी बात सबने सुनी, कोई ऊपर नीचे हुई तो ध्यान रखें इस बात का। मैं आपसे करीब करीब मेरे ख्याल में आज बैठे हैं सबसे उम्र मेरे से सहवार थी एक ही ऊपर होगा, बाकी तो हाँ ये हमारे ये भागीरथ जी भी हमारे साथ बहुत साल से जुड़ा हुआ, बड़ा भागीरथ हुड्डा, ये काफ़ी मजबूत आदमी है, कारगर आदमी है, जानकार आदमी है। ये हो सकता है एक दो तो निकल ही जाएंगे, इतने लोग हैं तो इसमें तो अब हैंडी कर रहा है अजय 85 के डॉक्टर। पहले अभी कोई नुक्तियां हैं वो और उधर खाना चालू कर दो, खाना खाते रहो, इधर नुक्तियां दे देंगे। और पहले लेडीज वो तो बड़ा मुश्किल काम है, एक टेबल अलग से इनके लिए छोड़ देना था, 3-4 लगे हुए हैं शायद, तो देख लेना। मेरी बात सुनी, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब।